हम देखते हैं कि सत्संग में कई किस्म के लोग आते हैं, चाहे मेन एम सबका यही होता है और आते इसी कशिश से हैं कि हम सब कुछ पाएं, लेकिन बहुत से भाई बहन जब सत्संग में आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उन्हें सुना होता है कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, ये सदगुरु हैं, ये संत जी हैं, इनके ज़रिए हमें जागृति मिलती है, और जो भाई बहन जो आए होते हैं, जिनको फ़ायदे होते हैं, वो कोई ना कोई बातचीत तो करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमें ये फ़ायदा हो गया, हमें ये फ़ायदा। तो कई भाई बहन सिर्फ बाहर की धन दौलत प्रॉस्पेरिटी के लिए आते हैं, कई आते हैं कि हमारे को नौकरी लग जाए, कई भाई बहन आते हैं कि हमारे जो बिजनेस हैं वो अच्छे हो जाए, कई भाई बहन आते हैं कि ये मेरा जो प्लॉट है ये मुश्किल में पड़ा है ये ठीक हो जाए, कई आते हैं मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़। तो कई लोग बाहर की जो धन दौलत है उसको लेने के लिए आते हैं, वो एक किस्म के लोग होते हैं। एक दूसरे लोग हैं वो तब आते हैं जब उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, जो कि बीमारी हो गई, जो डॉक्टर ने कहा हो ये तो बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, तो वो आते हैं भागे भागे कि शायद यहाँ से हमें मदद मिले। कोई अपने एक्सरे लेके आता है, कोई अपने रिपोर्ट लेके आता है कि यहाँ पर जाकर मुझे शायद मदद मिलेगी, और जब उनके या बिजनेस गिर गया या नौकरी छूट गई, या जब कोई घर में आप बीमार हैं, कोई और बीमार है, या कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसे वो ठीक नहीं करते, तो भागे भागे आते हैं कि यहाँ जाकर शायद वो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये दूसरे किस्म के लोग आते हैं। एक तीसरे किस्म के लोग आते हैं, उन्होंने सुना होता है कि यहाँ पर आत्मज्ञान मिल सकता है, वो समझने के लिए आते हैं कि और दुनिया कोई है भी कि नहीं है, वो देखने के लिए आते हैं कि कुछ और यहाँ पर दुनिया की चीज़ों से बढ़कर है, वो चेक करने के लिए आते हैं कि रूहानी रास्ता है, वो जिज्ञासु हैं, जो सीकर्स हैं, वो सर्च कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मिल सकता है जिससे मुझे ये दुनिया से कुछ और बेहतर चीज़ मिलेगी, और वो आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सत्संगों पर आते हैं, अभ्यास के लिए बैठते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो दूसरी दुनिया, रूहानी दुनिया की जानकारी पाए, इनको जिज्ञासु कहते हैं। और एक चौथे किस्म के लोग आते हैं जिन्हें कोई फिक्र नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो सिर्फ अपने सद्गुरु के प्यार की मस्ती में और प्रभु के प्रेम की मस्ती में आते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है, उन्हें प्रेमी कहा जाता है। ये वो हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल खाना कहाँ से आएगा, कि किसी से मित्रता की नहीं की, कोई नाराज़ हो रहा नहीं हो रहा, कुछ और दुनिया में क्या हो रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक ही काम है कि अपने सद्गुरु का प्रेम मिले और प्रभु का प्रेम मिले। वो दुनिया में ना कुछ ज़्यादा पाना चाहते हैं, ना ध्यान दुनिया की और करते हैं, और उनका ध्यान सिर्फ प्रभु के प्रेम को पाने का है। तो एक वाक्य है जो अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस किस किस्म के लोग होते हैं, फिर आपको ये भी समझ में आएगी कि आप कौन सी श्रेणी में हैं। एक पिताजी थे, उसके चार लड़के थे, तो चार लड़के बाहर खेल रहे थे ग्राउंड में, तो पिताजी के पास चार आम आए, तो वो आ गए उनको देने के लिए, तो एक तो आम देते गए, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, कि आम मुझे दे दो, किसी और को मिले ना, मुझे चाहिए। तो पिताजी ने उसको एक आम दे दिया, दूसरे जो आम देखा रोना शुरू कर दिया, रोता रोता आया, नहीं 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 मैं इसके बगैर जी नहीं सकूँगा, ये मेरे को आम खाना है।
रोता रोता आया लेने के लिए। जो तीसरा लड़का था वो आम को देख ही जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, खाली देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा, देख ही जा रहा। तो पिताजी ने उसको भी आम दे दिया। और जो चौथा लड़का था वो खेल में मस्त है, उसको पता ही नहीं पिताजी आए कि नहीं आए, लेकिन पिता ने उसको भी आम दे दिया। तो जो पहला था जिसको लगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वही है जो धन दौलत कहते हैं मेरे को ये भी चीज़ दे दो, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए दुनिया का। जो दूसरे हैं जो रोते पिटते रहते हैं, ओहो मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ये तकलीफ़ हो गई, मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे घर में ये हो गया, मेरा ये हो गया, वही ऐसे ही रोते पिटते रहते हैं सवेरे से रात तक। और वो लोग भी आते हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तीसरे जो देख रहे हैं वो आम को देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, जो सर्च करने हैं, देखने आते हैं, वो कह रहा है कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, उसकी तरफ देखते रहते हैं जिज्ञासु। चौथा प्रेमी वो मस्ती में बैठा हुआ है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता है आम मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु का प्रेम चाहिए। और हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि जो प्रेम करते हैं वो ही पिता परमेश्वर को पाते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ जिसको भी आप पढ़ोगे बार बार कहता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो हमें ज्ञानी होना है। ज्ञानी वो नहीं जिसको किताबों का बहुत पढ़ता है, ज्ञानी वो है जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि उठाए मैं कशों ने जाम गर्दिश में शराब आई, कि हम जब इस संगत में पहुँचते हैं तो हमें प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाना है, हमें अपना प्याला ऊपर करना है ताकि जो प्रभु का प्रेम है वो हमारी तक पहुँच सके। और फरमा रहे हैं कि तेरी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आए, कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुँचते हैं तो उनकी दया मेहर उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो उससे जो हमारी अंधेरी रात है जो भी तकलीफ है सारी की सारी दूर हो जाती हैं। कि सुबह रात ख़त्म हो गई सवेरे शुरू हुई, इंसान रात को सोता है सुबह उठ के काम करना शुरू करता है, तो यहाँ सुबह कामयाब आई कि जो सारा दिन है जो हमारी जागृति है वो काम हो गई। तो दिन क्या है हमारे लिए, जबकि हमारी आत्मा इस शरीर में उसे मौका मिला है पिता परमेश्वर को पाने का। और जब एक पूर्ण महापुरुष की रहमत होती है उनकी दया मेहर होती है हमारे पर नज़र करम हमारे ऊपर होती है, तो ये जो हमारी ज़िंदगी है जो हमें मिली है पिता परमेश्वर को पाने के लिए, इसमें हम प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। अगर ये सारी ज़िंदगी गुजर गई तो फिर ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आई, कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम होती है रहमत हम पर होती है तभी हम ये ज़िंदगी जीने में कामयाब होते हैं। अगर इस शरीर में आकर ये ज़िंदगी गुजर गई और हमने पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो फिर हम कभी भी इस मौके को दोबारा ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं हमें मालूम नहीं। होते थे हज़ारों लाखों करोड़ों साल फिर लग जाए आत्मा, फिर 84 लाख जिया जो उन चक्कर में पड़ी रहे, कब मौका मिले पता नहीं। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म हम पर पड़ते दया दृष्टि पड़ती है, तो जो मन माया के पर्दे हैं जो हमारी आत्मा पर चढ़ गए हैं जो हमें असलियत से परे कर रहे हैं वो हट जाते हैं और हम असलियत की जानकारी पाते हैं, हम एक ज्ञानी बन जाते हैं। हमें समझ में आता है कि आत्मा परमात्मा कांक्षा सिर्फ प्रेम के जरिए हम उन्हें पा सकते हैं। हम फिर प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं और वही हैं जीव जो प्रभु के रंग में रंगे जाते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी समझाया कि दुनिया में हो क्या रहा है, हम लोगों को हो क्या गया है, हम जैसे दुनिया में आते हैं तो हम करते क्या है? एक दूसरे को देखते हैं तो जलन सी हो जाती है, सोचते हैं वो मेरे से बेहतर क्यों कर गया,
और सोते हैं, हो इसको तो समझ में नहीं, इसको ये क्यों मिल गया, मेरे को मिलना चाहिए, इसको मैं हड़प कर लूँ के तरीके से। तो एक जगह फरमाते हैं ये दुनिया दुश्मने अमनो मोहब्बत हो गई साकी, कि जो प्यार और मोहब्बत से जीना चाहिए उसके हम लोग दुश्मन हो गए हैं। हम लोग तो रोज़ कभी यहाँ झगड़ा करते हैं, कभी वहाँ झगड़ा करते हैं, कभी इससे लड़ाई करते हैं, कभी उसकी टांग खेलते हैं, इन कामों में लगे हुए हैं, इससे प्रेम करें उससे प्रेम करें, उस और कदम बढ़ाते नहीं। तो वो फरमा रहे हैं कि ये दुनिया दुश्मने अमनो मोहब्बत हो गई साकी, क़यामत हो गई साकी, क़यामत हो गई। तो कह रहे हैं कि पढ़ ले आ गई है, तो काम बहुत ख़राब हो गया कि इंसान की हमें उनकी ईगो इतनी बढ़ गई है कि वो किसी और के साथ मिलजुल के बैठने नहीं चाहता। जैसे जैसे उसका ध्यान इस दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे वो औरों से अलग हुआ जा रहा है। अगर हम सोसाइटीज़ की ओर भी देखें तो देखते हैं सबके घर बार छोटे 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 टूटे फूटे जा रहे हैं। पुराना जमाना सब इकट्ठे रहते थे, उनमें प्यार मोहब्बत भी था, ये भी नहीं था कि ये चाचे का गए, ये ताए का गए, हमारा है, सब अपने होते थे। आजकल तो हर एक परिवार में सब टूटी जा रहे हैं, छोटे 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 हो रहे हैं, और हर एक को लगता है ये सब मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। अभी माँ बाप जीवित हैं तो बच्चे कहते हैं इनका हिस्सा वहाँ में पहले ही दे दो। यही थिंकिंग बदल गई इंसान की। पहले बंदा सोच माँ बाप जीवित रहे अच्छा है, वो सोचे जानते अच्छा है, क्यों सनू इन्हें तो सम्मान मिल जाए। थिंकिंग चेंज। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वही पॉइंट बोल रहे हैं कि ये दुनिया दुश्मने अमनो मोहब्बत हो गई साकी, कि जो प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी जीनी चाहिए उसकी दुश्मन हो गई है, कि क़यामत हो गई साकी। और फिर सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि जगा दे कारवाने खुफ्ता को ए मीरे फरजाना। वो फरमा रहे हैं कि ये जो सोया हुआ कारवान है, जो सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि इनका ध्यान सही जगह पर नहीं है, तो इनको आप जगा दो। और हे सदगुरु आप ही हैं जो इनको जगा सकते हैं, आप ही हैं कि इनको सही रास्ते पर लगा सकते हैं, आप ही हैं जो कि इनकी रूह की गहराई तक जाकर इनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत करते हैं। इसीलिए हम बार बार, हम सबको समझाया जाता है कि हम अपने सदगुरु के दर्शन हज़ार बार करें। पता नहीं किस क्षण में हम उस स्थिति में हों जबकि उनकी ओर से जो किरणें हमारी ओर हर समय आ रहे हैं वो हम जज कर पाएं। उनकी ओर से तो हमारी ओर रूहानियत के प्रेम की किरणें हर समय आती हैं, ये हम हैं जो उसको जज नहीं कर पाते क्योंकि हम पात्र नहीं हैं। तो किस समय हम उस अवस्था में, हमें मालूम नहीं कि एक क्षण भी ऐसा मिल गया तो हमारा काम हो गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि आप हो जो कि हमें जगा सकते हैं, जो हमारी बुद्धि जो खराब हो गई है, जो हमारा ध्यान जो गलत चीज़ों में जा रहा है, जो हम असलियत से दूर जा रहे हैं, कि आपकी दया मेहर होगी तो हमारी समझ सही होगी, हमारी समझ सही होगी तो हमारे सोच सही होंगे, हमारे सोच सही होंगे तो हमारे बोल सही होंगे, हमारे बोल सही होंगे तो हमारे विचार सही होंगे। कि ये आप ही हैं जो कि इन्हें सही कर सकते हैं। और आगे एक और शेर में भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हम पहुँचते तो होता क्या। वो फरमा रहे हैं कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है, कि नवाए नानको कृष्णो रहीमो राम मिलती है, तेरी चौकट पे हमको वैधते अकवाम मिलती है, तेरी नज़रों में यकसा है वह अपना है कि बेगाना, सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाते हैं तो तरह तरह के लोग वहाँ पाते हैं, वहाँ हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, जैन भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। और वहाँ जो इन धर्मों का सार है उसकी बातचीत की जाती है कि नवाए नानको, कि जो कि गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते थे, कृष्ण हो जो कृष्ण जी महाराज फरमाते थे, रहीम हो जो कि प्रॉफिट मोहम्मद फरमाते थे,
और जो राम हो, जो रामचंद्र जी महाराज फरमाते थे कि जिन्हें अलग अलग धर्मों में भगवान माना गया है, उन्हें परमात्मा का रूप माना गया है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड माना गया है, कि जो इनकी शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं हमें मिलती हैं। कि यहाँ पर ये नहीं कि किसी एक धर्म की बातचीत हो, कि सब धर्म यहाँ पर सही हैं और उनका जो सार है उस सार की बात की जाती है। कि हर एक धर्म तो यही चाहता है कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, कि नवाए नानक को कृष्ण रहीम और राम मिलती है, तेरी चौकट से हमको वैद्यते अकवाम मिलती है। कि जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो सब धर्मों की एकता है उसकी हमें झलक मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोग नहीं, हर एक देशों के लोग भी होते हैं, और कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई एक देश के हैं, कोई दूसरे देश के हैं, कोई अनपढ़ हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, हर एक स्टेटस ऑफ लाइफ के लोग भी होते हैं। कि हर एक किस्म के लोग होते हैं, हम सब एक हैं। कि वो अनुभव हमें मिलता है कि हम में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब बराबर के हैं। और फरमा रहे हैं कि तेरी नज़रों में यकसा है वो अपना हो के बेगाना। वो कहते हैं कि जब यहाँ पहुँचते कि हमें समझ आते कि आपकी नज़रों में सब एक जैसे ही हैं, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे लगे के पराए हैं, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे कहीं दूर से आए हों। कि एक पूर्ण महापुरुष के लिए सब जीव एक जैसे ही हैं, यही यहाँ में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। और उसी एकता को पाने के लिए हमें समझाया जाता है। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो फिर हम अपने आप को प्रभु के नज़दीक पाते हैं, हम में एक जागृति होती है कि हम आत्मा का मिलाप परमात्मा में करें। और जब वो मिलाप होता है तो फिर हमें अनुभव होता है कि जो इस शरीर में ये आत्मा है, ऐसे ही औरों में भी आत्मा, वो भी परमात्मा का हिस्सा है, कि हम सब एक हैं। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, एक बनो नेक बनो, तो उसका अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। और फिर हम अमन और मोहब्बत की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, शांति और प्रेम की ज़िंदगी जिएंगे। जब लगे सब अपने ही हैं तो फिर किसी से लड़ाई झगड़ा क्या। तो यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और फिर एक प्रार्थना कर रहे हैं कि उठाए महकशों ने जाम, गर्दिश में शराब आई, तेरी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आई, अता हो जाए मुझको भी मेरे हिस्से का पैमाना। तो ये प्रार्थना वो कर रहे हैं कि हम सबको जो जो मिलना है वो सबको मिल जाए, कि हम सब कुछ पाने के लिए आए हैं और रूहानी सुरा पाने के लिए आए हैं। हम सब जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो अपने आप को जानना है और वो पिता परमेश्वर को पाना है, उसे पाने के लिए आए कि हे हमारे सदगुरु, आपकी दया दृष्टि हम पर पड़े, ताकि हम जिस ध्येय से इस धरती पर आए हैं वो पूरा हो जाए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि इतनी दया मेरे इन महापुरुषों की हम सब पर हो कि हम सब जागृत अवस्था में रहें, हम अपने सदगुरु से प्रेम करें, पिता परमेश्वर से प्रेम करें, उस प्रेम का अनुभव करें, और उस प्रेम के रास्ते पर चलते हुए हम देखेंगे कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में ज़रूर हो जाएगा।